नमस्कार, ग्रैंड एसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना की चौथी किश्त की जारी। अब तक 112 करोड़ से अधिक की राशि युवाओं के खाते में की जा चुकी है अंतरित। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किया तीखा हमला। कहा, कांग्रेस की सरकार ने कोरोना काल में भी किया है चावल घोटाला। और दुर्ग जिले के ग्राम फेकारी निवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्राम सरपंच के खिलाफ की शिकायत। कहा, निजी स्वार्थ के चलते सरपंच पाट रहा है गांव का तालाब। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को बेरोजगारी भत्ता योजना की चौथी किश्त के रूप में 1,22,625 हितग्राहियों के खातों में 31,71,00,000 रुपए की राशि का अंतरण किया। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक 112 करोड़ रुपए से अधिक की राशि युवाओं के खाते में अंतरित की जा चुकी है। जय जोहार काका। जय जोहार काका। मोर नाम नेहा पटेल हरे। मोर पिताजी के नाम विजय पटेल हरे। मैं कुर्सी पर भिलाई दुर्ग जिला से आया हूँ काका। पहली तो मैं आप मन के बहुत बहुत आभार हूँ कि आप मन मोला यहाँ पे आए के अवसर दे हो। मोला हर महीना बेरोजगारी भत्ता मिलते हो काका। और महीना हो गए मोला जब से स्टार्ट हुए 3 महीना। हाँ, पूरा हो गए अभी। हाँ, ये चौथा महीना है रे। और जरिए से मोला भी टेक्नोटास कंपनी से ऑफर लेटर भी आए काका। ओकर लिए मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। बधाई। और आप मन मोल यहाँ आए के अवसर दे ओकर लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार काका। जय जोहार। आप सबसे पहले आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मैंने मुख्यमंत्री निवास में हमला आमंत्रित करे हो। सर, मोर नाम है सुमन कुमार छत्री। मेरे पिताजी के नाम श्री मोहनलाल छत्री। मैं ग्राम डुंडेरा और जिला दुर्ग के निवासी हूँ। और मैं यहाँ लगभग 3 महीने से बेरोजगारी भत्ता लेता हूँ। और अभी मोर जॉब लगभग बंगलोर में लगे है। तो मैं आपके माध्यम से सब जना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भूपेश ये तो भरोसा है। और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी बैठे हैं तांडवदास साहू जी, जो कर मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे डुंडेरा गाँव ला जो गाँव से आज शहर बना दिया, इतना काम करा है जो मैं बता नहीं सकता। मतलब आप डुंडेरा खुद आ सकते हो, बहुत अच्छा जगह है यहाँ। तो और मैं रविन्द्र चौबे जी जो हमारे कृषि मंत्री होकर स्वास्थ्य की भी कक्षा से कामना करता हूँ, क्योंकि बीच में अभी सुने रहे हो तो बहुत दुख हो रही है। और पूरा छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा काम कर रहे थे। और अब आप अगर अच्छा काम करो तो आप आगे आते रहो। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई। अच्छा ये बता, तो बेंगलोर में लगे है जी सर, तनख्वाह मिली जी? सर अभी स्टार्टिंग में 6 महीना ट्रेनिंग है, तो मैं 15,500 बोले है। हाँ। बाद 20% में इंक्रीमेंट के साथ हमारे सैलरी बढ़ते रही। हाँ। और एयरलाइंस वाला जॉब है सर, तो मैं मोर शुरू से एक सपना रिस की आगे जाऊं मैं करके। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभकामना। उद्बोधन का लाभ दें और तालियों से स्वागत करें। बेरोजगारी भत्ता वितरण के गरिमा में एक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, हमारे कैबिनेट के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, हमारे मंच में बैठे अधिकारीगण, उपस्थित हमारे नौजवान साथी मन, भाई बहनी मन और पूरा प्रदेश के अलग अलग जिला में जुड़े हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण और नौजवान साथी मन। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ कहे की जरूरत नहीं है, काबर की हमारे नौजवान साथी मन ले पूरा जानकारी है। और हर चीज के जानकारी जब आप लहे तो विस्तार दे के जरूरत नहीं है। एक बात साफ तौर पे आप के सामने स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिन बात की ओर अभी आदरणीय चौबे जी इशारा करीस, हमार सरकार बने 5 साल बीते बर जात, माने 2-3 महीना अभी बांचे है। बीच में 1.5 साल कोरोना काल आगे, तो 3.5 साल हमर कार्यकाल। और 3.5 साल में हमन 51 योजना हमारे मुख्यमंत्री जी बनाए हैं। और मैं सबो वर्ग पर योजना बनाए हैं। हमारे मुखिया आपसे रूबरू होंगे इन पंक्तियों के साथ, आप भी साथ दीजिएगा। ये चमक सूरज की नहीं,
किरदार की है, ये खबर मेरी नहीं, छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के दिलों की अखबार की है। यूं ही नहीं चल पड़ा है ये कारवां, ये बात गुरूर की नहीं, आप पर भरोसे की है, आप पर एतबार की। आप हैं तो माननीय मुख्यमंत्री। युवा साथियों को नमस्कार, जय जोहार। आदरणीय महाराज साहब, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी और कृषि मंत्री और गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री, संस्कृति मंत्री, धर्मस्व मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज जी और आदरणीय रविंद्र चौबे जी, जिनके पास पंचायत तो है ही, स्कूल शिक्षा है, सरकार है, उनको हर महीने 2,500 रुपया की राशि मिल रही है। आदरणीय साथियों, 112,43,00,000 रुपया सीधा ट्रांजैक्शन, नहीं तो पिछली सरकार में 15 साल में 98 करोड़ रुपया की राशि दी गई थी। 500 रुपया था, फिर 1100 हुआ, फिर उसे जनपद में या नगरीय प्रशासन के कार्यालय में जाके आपको फॉर्म भरना होता था, अब ऑनलाइन है, फिर चेक लेने के लिए वहां जाना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं है, सबके खाते खुले हुए हैं, सीधा खाता में राशि पहुंच रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं अब टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए सीधा हितग्राहियों के खाते में। आदरणीय साहब, जिसमें बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ कौशल प्रशिक्षण के भी हम लोग काम हाथ में लिए हैं। सारे कलेक्टर लगे हैं, सारे विभाग के अधिकारी लगे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, ये अप्रैल से हम लोगों ने शुरू किया, 1,22,000 जब बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, 6,000 लोगों को अभी तक के हम लोगों ने रोजगार से जोड़ दिए हैं। अभी बहुत सारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, सबको प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको रोजगार मिला है, किसी को 10,000, किसी को 15,000-17,000 रुपया वो कमाने लगेंगे। तो इसको और बढ़ावा देना है, इसके लिए भी हम लोगों ने हमारे यहाँ जो 300 से अधिक हमारे पास ITI है, तो उसको अब आधुनिक तरीके से जो देश और दुनिया में नए टेक्नोलॉजी आ गया है उसको भी ट्रेनिंग देना है, उसके भी ट्रेड का पैसा भी लगे, निवेशक भी आए, लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मूलक जितने कार्य हैं उसको हम लोग हाथ में ले रहे हैं। और आने वाले 5 सालों में हमारी कोशिश होगी कि 12-15 लाख लोगों को रोजगार हम दिला सके, हमारे युवाओं को, ये हमारी कोशिश होगी। तो आज बेरोजगारी भत्ता जिन साथियों को प्राप्त हुआ, सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार। बहुत भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता व भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की निर्दयी और भ्रष्टाचारी सरकार ने कोरोना काल में भी चावल का घोटाला कर दिया, कोरोना पीड़ितों और गरीबों का चावल घपलेबाज सरकार खा गई, केंद्र द्वारा भेजी गई अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल को भ्रष्टाचारी सरकार डकार गई, अगर हिम्मत है तो सरकार इसकी जाँच कराए और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर भी कार्यवाही करके दिखाए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का संकल्प लिया है। अपने इस अभियान में कांग्रेस पार्टी ने कोरोना पीड़ित और गरीबों को भी नहीं छोड़ा। बड़ी बड़ी बातें छोड़कर मैं बहुत छोटे विषय में कहूंगा। 1 अप्रैल 2020 से 8 माह, मई 2021 से दिसंबर 2022 20 माह, कुल 28 माह में 5 किलो राज्य सरकार के कोटे से, 5 किलो केंद्र सरकार के कोटे से और 5 किलो केंद्र सरकार ने कोरोना के लिए अतिरिक्त चावल का आवंटन जारी किया था। इस अवधि में राज्य की सरकार ने कोरोना पीड़ितों को सिर्फ 10 किलो चावल प्रदान किया प्राथमिकता वाले कार्डों में। 5 किलो चावल प्रदेश की कांग्रेस सरकार खा गई, भ्रष्टाचार कर दिया। यदि हिम्मत है कांग्रेस सरकार में तो उसकी जाँच करवाए या मेरे खिलाफ कार्रवाई करे कि मैं गलत आरोप लगा रहा हूँ। इस भ्रष्ट सरकार को, कोरोना के चावल खाने वाली सरकार को, कोरोना में गरीबों के पेट मारने वाली सरकार को हटाना ही होगा। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। कृषि
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामधस साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। टेंशन ना लो, शिवा ले। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्त रोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता, डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है।
कृष्णा पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई, कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773011, 7773011, 7772। सभी का स्वागत है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने पत्रकार वार्ता कर राज्य के कांग्रेस सरकार पर गौठान की आड़ में किए गए घोटालों का आरोप लगाया, साथ ही चारा घोटाले की तर्ज पर ही इस घोटाले की CBI जांच की बात कही। दुर्ग भाजपा कार्यालय में सोमवार को भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए जा रहे गौठान पर निशाना साधते हुए गंभीर घोटालों का आरोप लगाया। साथ ही पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गौठान की आड़ में अपने लोगों को फायदा पहुंचाकर जनता के पैसों का बंदरबांट कर रही है। इस मामले में उन्होंने गौठान के नाम पर 1300 करोड़ से अधिक की राशि का कांग्रेस द्वारा दुरुपयोग कर भारी घोटाला किए जाने का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि भाजपा पार्टी ने चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चलाकर प्रदेश के 3948 गौठानों तक पहुंचकर वहां के घोटालों और गड़बड़ियों को देखा है। गौठान के नाम पर चल रहे गोरख धंधे में कांग्रेस सरकार ने सबसे अधिक पंचायतों के अधिकार पर ही डाका डाला गया है। इस संबंध में मीडिया के बीच अपनी प्रतिक्रिया भी दी। जिस प्रकार से घोटाला हुआ, उस घोटाला को उजागर करते हुए आज 1300 करोड़ की घोटाला सामने आई है। जिस प्रकार से बिहार में चारा घोटाला का CBI जांच हुआ, वैसे ही हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा CBI जांच की मांग करते हैं। इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ कि ये पंचायत के अधिकारों का हनन करते हुए बिना किसी प्रकार से ग्राम पंचायत के सरपंचों का प्रस्ताव लिए, ना वहाँ पर पंचों की सहमति लिए, बलपूर्वक ठेकेदारों को भेज करके शेड निर्माण का काम किए, पूरे शेड उड़े पड़े हुए हैं, टंकी बनाने का काम करने का काम किए, पूरा टंकी टूटा हुआ पड़ा है, नल लगाने का काम हुआ है, पूरे नल के पाइप गायब हैं, कहीं पर कोई चारा नहीं है। इसी बात का हम लोगों ने उजागर किया। अध्यक्षों को 10,000 की पेमेंट भी दी जा रही है। पूरे गौठान समिति के अध्यक्षों का भी स्टेटमेंट रहा कि हमें उस 10,000 का कोई अता पता नहीं। मैं जैसे बालो क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैं हीरापुर गया था, चारवाही गया था, जगन्नाथपुर सांकरा गया था, सांकरा का गया था, मैं बरही गया था, जुंगेरा गया था, मैं तरौद गया था, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर किसी ने नहीं कहा कि हमें 10,000 रुपये प्राप्त। वर्मी कंपोस्ट के नाम पर स्व सहायता समूह के बहनों को काम देने के लिए बुलाया गया, पूरे स्व सहायता समूह के बहन इस बात का आरोप लगाते रहे कि हमको आज तक, हम हिसाब किए तो किसी को 14 रुपया, किसी को 17 रुपया, किसी को 34 रुपया, किसी को 36 रुपया, एक स्थान पर मेरे को केवल 45 रुपया रोजी पड़ा हो, ऐसा उन बहनों का काम का कार्यों का शोषण हुआ है। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह के काम देने के आड़ में भी उन बहनों का भी शोषण हुआ। जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज करने वाला लालू प्रसाद यादव के
जंगल राज में चारा घोटाला गौ माताओं के नाम पर वहाँ हुआ था, वैसे ही घोटाला पूरे छत्तीसगढ़ के चलबो गौठान खोलबो पोल जो हमारा कार्यक्रम चला, उस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको जो जानकारी मिली, पूरे छत्तीसगढ़ के 3948 गौठानों पर हमारा यह कार्यक्रम हुआ और सभी का गौठानों पर गौ माता कहीं नहीं मिली। और इनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार गारंटी के पैसे, स्वच्छ भारत मिशन के पैसे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पैसा, 15वां वित्त का पैसा, 16वां 14वां वित्त का पैसा, जितने सारे जल मिशन का पैसा, जितने केंद्र सरकार के छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो राशि आया, उसको इन्होंने इनके ठेकेदारों के द्वारा बलपूर्वक सरपंचों के 1000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या इस सरकार के आने के बाद कर चुकी है। कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, आज दिनांक तक एक्सिस बैंक, ओरिएंटल बैंक, देना बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक जितने हैं, उसका कर्जा 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ। इस छत्तीसगढ़ के लगभग 74,000 किसान डिफाल्टर हो गए हैं और उन किसानों को सहकारी समितियों से या बैंकों से जो वो कर्ज लेकर खाद खरीदते थे, उनको आज कर्ज के कारण खाद नहीं मिल रहा है, जो नगद लोन लेते थे वो लोन नहीं मिल रहा है। फसल बीमा केंद्र सरकार की योजना बहुत ही महती, किसानों के पेट से जुड़ा हुआ, उनसे जुड़ा हुआ ऐसा योजना था, जिसको ये तकनीकी कारणों से केंद्र की सरकार की योजना सफल ना हो जाए, मोदी जी की छवि बहुत सफलतम प्रधानमंत्री के रूप में ना हो, ऐसा इस छत्तीसगढ़ में कृत्रिम तरीके से तकनीकी त्रुटि पैदा करके अपने अधिकारियों के द्वारा फसल बीमा का। या ग्रैंड नेशन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ग्राम फेकारी के रहवासियों ने तालाब के पाटे जाने को लेकर सरपंच के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई, साथ ही सरपंच द्वारा अपने निजी स्वार्थ के चलते मनमानी किए जाने की बात कही। ग्राम फेकारी पाटन के रहवासियों ने सोमवार को बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुँच सरपंच के मनमानी का आरोप लगाते हुए गाँव में स्थित तालाब को सरपंच द्वारा अपने निजी स्वार्थ के चलते पाटा जा रहा है, इसके चलते गाँव में निस्तारी की समस्या होता देख बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी शिकायत जन दर्शन में पहुंच दी। इस मामले में उन्होंने बताया कि निस्तारी के लिए पूर्व से शासकीय तालाब स्थित है, जिसमें गांववासी अपनी सुविधा की दृष्टि से उक्त तालाब से कपड़ा धोने, नहाने एवं अपने मवेशियों को पानी पिलाने एवं नहलाने का उपयोग करते हैं, जिसमें अब स्थानीय सरपंच टिकेश्वर साहू एवं उनके सहयोगी गण की मनमानी से अज्ञात ग्रामीणों ने अपनी गुहार कलेक्टर से लगाई। हम लोग शासकीय तालाब जो फेकारी में है, उसको सरपंच और उसके सहयोगी लोग पटवा रहे हैं, तो ना पटवाया जाए और गांव की आम निस्तारी तालाब है, इसलिए हम ना पटवाने हेतु आवेदन देने के लिए आए हैं। ग्राम फेकारी से आए हुए हैं और ग्राम फेकारी में जो शासकीय तालाब है, जिसको रोजगार गारंटी के तहत खुदाई भी करवाया गया और उसी तालाब में ग्राम वासियों द्वारा श्रमदान भी किया गया, 3-4 रोज लगभग 100-200 मजदूर श्रमदान किए, 1-1 रोज का 3-4 रोज श्रमदान किए और खुदाई करवाए। उसी तालाब को सरपंच टिकेश्वर साहू, ग्राम फेकारी और समस्त पंचगण, उप सरपंच पंचगण द्वारा उसको पटवाया जा रहा है, लेकिन क्यों बोलता है कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने उसको पूर्व में जब खुदाई हुआ था तो खुदाई का हम लोग स्टाम्प पेपर, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मस्टर रोल में कितने आदमी कार्य किए, कितने आदमी वहाँ पे काम किए और कितने आदमी किस दिन तक के वहाँ पे श्रमदान किए, उसको पूछना चाहते थे, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है करके लिखित रूप में आवेदन दे दिया। हम लोग उसी तालाब को ना पटाया जाए करके हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि उस तालाब का संधारण हो और जो फ्री में तालाब का खुदाई हुआ है उसको पटवाया जा रहा है, उसके प्रति एक्शन हो सरपंच के लिए। ग्रैंड नेशन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हाँ, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर।
इनमें कई विशेषताएं हैं जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध, न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। का पुनः स्वागत है। दुर्ग के रसबड़ा गांव में मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश से हड़कंप मच गया। वहीं दुर्ग पुलिस इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है। दुर्ग पुलगांव थाना क्षेत्र के रसबड़ा में रविवार को अधजली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार रसबड़ा के पास गनियारी गाँव के तालाब के पास शव को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह पूरी तरह से जल नहीं पाया। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को बरामद कर जांच शुरू की। वहीं पुलिस को अब तक लाश के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि रसमड़ा के गनियारी गांव में मिले पुरुष के शव की शुरुआती जांच से पता चला कि मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष की है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को जलाने का प्रयास किया गया। वहीं मृतक के पास से एक आधार कार्ड प्राप्त हुआ जिसमें रामचरण लिखा हुआ था। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जाँच शुरू कर अधजले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में दुर्ग पुलिस अधीक्षक और दुर्ग CSP ने अपनी जानकारी दी। ये पुलगांव थाने में सूचना मिली थी कि रसमड़ा जो गनियारी गांव है उसके पास में एक डेड बॉडी जलती हुई अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। बॉडी आधी जल गई है और शिनाख्त अभी तत्काल संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आसपास में जो टेल साइंस है उनके हिसाब से डेड बॉडी की शिनाख्त भी की जाए और जो भी घटना से संबंधित जानकारी जुटाई जा सके। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि जो भी चीज़ें मिली हैं उनको हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य के हिसाब से कलेक्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली ये मर्डर से रिलेटेड हैं कि नहीं है वो देखना होगा। एक बार
थोड़े और कुछ क्लूज मिल जाए। मृतक की पहचान सबसे इंपॉर्टेंट है, पहचान हो जाने के बाद फिर काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद ही कुछ कहना बेहतर रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी 3 महीने में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ एवं दुर्ग शहर सरकार में कांग्रेस पार्टी काबिज है, जो बीते 4 सालों से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करने का दावा कर रही है। शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का, छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास होने की बात की जा रही है। विकास कार्यों को लेकर सरकार कितनी सफल रही है, इसे समझने के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज लगातार सरकार के पदों पर काबिज प्रभारियों से बात कर रही है। इसी कड़ी में दुर्ग नगर निगम के स्वास्थ्य एवं सफाई प्रभारी हमिद खोखर से ग्रैंड एशियन की टीम ने बात की। हमिद खोखर ने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों के बारे में ग्रैंड एशियन न्यूज को कुछ इस तरह से बताया। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमिद खोखर, नगर निगम दुर्ग के स्वास्थ्य MIC प्रभारी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, पिछले बीते हुए करीब 3 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है उसमें, और आने वाले वक्त में इनका किस प्रकार का विजन होगा। सबसे पहले हमिद खोखर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और आप सबसे पहले ये बताएंगे किस प्रकार का विजन होगा और क्या कार्य को आप लोगों ने प्राथमिकता दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लेने आया है। मैं बताना चाहूँगा कि लगभग हमारा 4 साल कम्प्लीट होने वाला है नगर निगम के शहर सरकार का, और आप और हम और हमारे शहरवासी बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि लगातार शहर में अच्छे काम हो रहे हैं, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे हमारे गौठान की बात हो, चाहे स्वच्छता को लेकर हो, क्योंकि स्वच्छता को लेकर हमें विभाग मिला गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग का मैं प्रभारी हूँ, तो जब से मैं इस प्रभार को संभाला हूँ, यकीन मानिए लगातार हम लोग बड़े से नया आयाम हम ला रहे हैं। और आपको इस जानकर भी खुशी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे दुर्ग शहर का नंबर 1 आया है, 3RR अभी आया था, और हमें दिल्ली में अवार्ड भी मिला है इसके लिए। तो जो सेफी कैंसिल का काम है, जो साफ़ सफाई में जो कचरे रोज़ प्रतिदिन जो 100 से 125 टन कचरे निकलते हैं, वो एक बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को हम लगे हैं कि हम उसको बेहतर तरीके से हम करें, पृथक पृथक उसको हम साफ सफाई से अलग करें। जो रिसाइकल वाली चीज़ है जो निकलती है उसे हम रिसाइकल में दे दें, जो रबड़ और अन्य सामान निकलते हैं उसको हम बंडल बांध के हम पावर प्लांट में दे रहे हैं, जो हरी सब्जियां हैं या अन्य ऐसे पत्तियां हैं इसे हम खाद बना रहे हैं, उसके बाद जो मिट्टी पत्थर निकल जाता है उससे लैंड फिलिंग का काम कर रहे हैं। तो लगातार हमारी शहर सरकार बेहतर काम कर रही है। राज्य शासन को लगभग 4.5 साल पूरा हो चुका है, किस प्रकार से देखते हैं, क्या विकास कार्य हुआ है? देखिए, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम के डंका बज रहा है। आपको और हमको पता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है यकीनन एक से बढ़कर एक अच्छे काम कर रहे हैं। आज 4.5 साल हो गए हैं और इतने अनगिनत अच्छे काम। अब शहर सरकार में देख लीजिए आप, सबसे बड़ी समस्याएं होती थी बिजली बिल की। जब बिजली बिल के पास जब घर में आता था और घर की महिलाएं जब बिजली बिल देखती थी तो सर में निशान आया था टेंशन का, इतना बिल। हमारे भूपेश बघेल की सरकार ने बिजली बिल आधा कर दिया, आज खुशहाली आ गई उस परिवार में। BPL भाजपा सरकार जब थी 15 साल तक तो BPL जो है कार्ड बस चलता था, APL जो आम जनमानस है और लोगों को भी APL राशन लगता है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्हें राशन की आवश्यकता लगती है, आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता लगती है। तो हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार आई है तब से APL कार्ड भी चालू हो गया है। नरवा गरवा गरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी आज देख लीजिए, जाऊँ गौ माता की इतनी अच्छी सेवा हो रही, गौठान इतने अच्छे से संचालित हो रहा है। गौठान पूरे छत्तीसगढ़ में जो संचालित हो रहा है, हजारों की तादाद में हमारी बहनों को रोज़गार मिला है उससे। वहाँ जो गोबर खरीदी हो रही है उससे खाद बनाना, अन्य बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ बनाई जा रही है, वहाँ बकरी पालन हो रहा है, वहाँ मुर्गी पालन हो रहा है, वहाँ और अन्य सब्जी भाजी लगाई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी काम किया जा रहा है। और सबसे मेन जो रीज़न है गौ माता की सेवा, वो अगर कहीं सच्चे दिल से अगर कोई कर रही है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे गौ सेवक वाली बात है, तो हम सभी लोग मिलकर ना एक एक महीने का चारा और हर चीज़ें भी इकट्ठा करके हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रहे हैं। एक निगम के लिए सफाई का जो विभाग होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, गली में और हर मोहल्ले में सफाई की जिम्मेदारी आपकी है,
आपकी सरकार आने के बाद किस प्रकार से उसमें विकास किया, क्या किया गया? देखिए, साफ़ सफाई एक आवश्यक सेवा है, आपको पता है, ये प्रतिदिन वाली बात है। मैं जब से शपथ लिया हूँ, यकीन मानिए आप, चाहे हाथ ठेले की बात हो, चाहे ई रिक्शे की बात हो, चाहे जो हमारी MCC की बहनें हैं जो घर घर जाके कचरा इकट्ठे करती हैं उनके रिक्शों की बात हो, हम लोग आज तक लगातार जो है खरीदी करते आए। जैसे पहले नाली में झाड़ के कचरे को डाल दिया जाता था, तो हम लोगों ने एक ऐसा डब्बा मंगवाया जिसमें वो झाड़ू झाड़ती और डब्बे के अंदर डालती है, तो नाली में जाने से भी कचरा बच गया। तो इस तरह से नया नया अमूकचूक परिवर्तन लाया। गाड़ियाँ नहीं थी डोर टू डोर ले जाने के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, लगातार हम लोग टाटा एस है, ई रिक्शा है खरीदी, अभी और दुर्ग नगर निगम में भी 27 टाटा एस आ गई है। तो अंतिम छोर तक के हम कचरा साफ करके स्वच्छ और एकदम साफ सुथरा हमारा शहर करने के लिए हम एक प्रक्रम एक जो कल्पना कर रहे हैं उस पर हम साकार होते जा रहे हैं। तो लगातार हम लोग शहर सरकार में, हम माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे महापौर जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम हम कर रहे हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड हमेशा विवादों में रहा है। देखिए, ट्रेचिंग ग्राउंड की जहाँ तक बात है, आपको और हमको पता है 20 साल शहर में भाजपा की सरकार रही, शहर सरकार, और उन्होंने जो है लगातार जो है इकट्ठा किया कचरा, 100-125 टन प्रतिदिन निकलना और ले जाके फेंक देना। हमारी जब कांग्रेस की सरकार रही है, अभी 5 करोड़ का ठेका हुआ है उसका, और पूरा ट्रेचिंग ग्राउंड को साफ किया जा रहा है। आप देखना, महीना दो महीने के अंदर में ट्रेचिंग ग्राउंड में एकदम पार्क सुंदर पेड़ लग जाएंगे, और पूरा एरिया क्लियर हो गया है। जिस एरिया में ट्रेचिंग ग्राउंड था, उस एरिया के पार्षद चंदनिया जी है, और वहाँ के लोग बहुत खुशियों से, मतलब खुशियों से धन्यवाद देने आए थे हमारे विधायक जी को, हमारे महापौर जी को, कि आपने आपके कार्यकाल में जो है हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बहुत अच्छा काम की है, बहुत बड़ा कचरा हम उसको साफ किया। और आने वाली हमारी योजनाएं हैं कि जो प्रतिदिन जो कचरा निकलता है, तो हम एक ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं कि जिससे रिसाइकल वाला सामान जो हम रिसाइकल में भेज दें, और जो अन्य सामान बचता है उससे हम जो है उसको गैस भी निकलेगी और हम उससे बिजली भी पैदा करेंगे। और बिजली अगर हम पैदा करेंगे तो मैं समझता हूँ दुर्ग शहर की जितने भी रास्ते हैं जिसमें रोडों में लाइट लगती रहती है, हाई मार्क्स लगे रहते हैं, अन्य लाइटें लगी रहती है, वार्डों में जो लाइट लगी रहती है, हमारी योजनाएँ हैं कि हम उस लाइट को जो है हम अपनी खुद की बिजली से उनको रोशन करें, और हमारे इससे बिजली बिल भी कम आएगा हमारे निगम में, और खुद के द्वारा बिजली बनाकर हम लोग जो है उस लाइटों को रोशन करना चाहते हैं। हमारा आने वाले समय में प्रोजेक्ट, और इसकी हम लोगों ने MIC में हमने जल्द हम लोग स्वीकृति ले रहे हैं, इसकी हमारी फाइल चल रही है। तो इस तरह से हम स्वच्छता को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखिए, बरसात का समय है, बरसात के समय में जनजनित बीमारियां आती है, डेंगू और एन, हमारी जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अभी सक्रिय हो गई है। वार्डों में जाकर जो है पहले दवाई डाला जा रहा है कूलर में, उसके बाद दूसरे दिन उसको कूलर को साफ़ कराया जा रहा है कि अगर किसी तरह का कोई कीटाणु डेंगू का या और कुछ अंडे दे दिए होगा तो उसको नष्ट किया जाए। हम इस तरह से जहाँ गड्ढे हैं वहाँ दवाई डलवा रहे हैं, इस तरह से हम लगातार अच्छा काम करवा रहे हैं। तो हमारी सरकार जो है, जब से हम लोग यहाँ बैठे हैं, लगातार हम लोग आपस में आए, हफ्ते 15 दिन में एक मीटिंग भी लेते हैं हमारे विभाग की, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसको क्या बेहतर कर सकें, तो हम उसमें लगे हुए हैं जी। आप खुद इस शहर में काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, 15 साल तक भाजपा की सरकार रही है निगम सरकार में, किस प्रकार से देखते हैं उस कार्यकाल को? देखिए, मेरा तीसरा कार्य है लगातार, बहुत अच्छा आपका सवाल है, तीसरा कार्यकाल है। जब हम 2 बार पार्षद थे इसके पहले, और सरकार भाजपा की थी, हम स्वच्छता को लेकर बहुत ज़्यादा खून के आंसू रोए हैं। यहाँ तक कि जो हम कचरा ढोने वाला ठेला है, उनको ठेला हम 10 साल में एक ठेला नया नहीं जानते, हम खुद अपने पैसे से उसको रिपेयरिंग करवाते थे। एक बार जो झाड़ू देते थे उसके बाद झाड़ू नहीं मिलती थी, हम खुद खरीद के झाड़ू देते थे साफ़ सफाई के लिए। इतना खून के आंसू रोए हो, इतना तकलीफ हो, आज आप देख लीजिए जाके, आप हमारा सेंटर लबालब भरा है, जिसको ब्लीचिंग चाहिए, जिसको पाउडर चाहिए, जिसको झाड़ू चाहिए, जिसको घमेला चाहिए, जिसको और सामान संसाधन चाहिए, स्वच्छता को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर हमारे यहाँ पूरा भरा रहता है। हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, शहर सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार, पैसे की कोई कमी नहीं कर रही है। आप प्रोजेक्ट लाइए, आप विजन लाइए, आप शहर को स्वच्छता और साफ में बेहतर रखना है, उसके लिए आप कार्य योजना बनाइए, आपको जितने करोड़ चाहिए हम देंगे, ये हमारी सरकार बोल रही है। हम बहुत ज़्यादा खुश है और शहर की जनता भी बहुत खुश है। और अगले 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, अगर वापस से कांग्रेस सरकार शासन में आती है तो आप लोगों का विजन क्या होगा? देखिए, वापस तो आना ही है, भूपेश है तो भरोसा है, आपको पता है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, उसमें एक किसान से लेकर आम आदमी से लेकर एक व्यापारी से लेकर हर आदमी खुश है। अब देखिए, रिपा है, एक रिपा अभी आ रहा है, रिपा में हम लोग
और आप लोगों को पता है कि जो हमारे बेरोजगार भाई है, जो उनके पास व्यापार है, उनके लिए 10,000-5,000 फीट की जगह दिया जा रहा है, उनको व्यापार करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो आने वाली सरकार तो तय है कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनना है, 75 पार का जो नारा है वो तय है। क्योंकि इनके, अब देखिए धान की बात ले लीजिए, आज 20 क्विंटल हमारे मुख्यमंत्री जी ने धान खरीदी का ऐलान कर दिया है। मजाक बात है, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य हो बता सके जो हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की सरकार की तरह काम कर रहा हो। आज पूरे छत्तीसगढ़ में आइडियल सबसे बड़ा, अगर कोई नंबर वन हिंदुस्तान में पूरा है तो हमारे छत्तीसगढ़ का नाम है, भूपेश बघेल जी का नाम है। हमें गर्व होता है, हमें बहुत गर्व होता है कि हम भूपेश बघेल जी के सरकार के, कांग्रेस के एक सिपाही है सच्चे, उनके साथ, उनके पीछे, उनके साथ कदम मिला के चल रहे हैं। हमें गर्व होता है कि एक अच्छे अच्छे फैसले, अभी देखिए आप, हमारे यहाँ MCC कर्मचारी है, हमारे यहाँ प्लेसमेंट के कर्मचारी है, हमारे यहाँ और सरकारी कर्मचारी भी है। अभी सरकारी कर्मचारियों को मतलब 4% में बढ़ा दिया गया। हमारे जो प्लेसमेंट कर्मचारी के, उनका 4,000 पेमेंट बढ़ गया। आपको पता है अभी हमारे यहाँ पूरे कर्मचारियों में दिवाली मना ली है, इतने खुश हो गए हैं। हमारे पटवारी भाई है, उनके 5,000 तनख्वाह बढ़ गई है। तो इस तरह से बड़ा और अच्छे से अच्छा फैसला हमारी कांग्रेस की सरकार ले रही है, और ऐसी सरकार जो है छत्तीसगढ़ में ही काम हो रहा है। किसान खुश है, वनवासी खुश है, वनवासी पट्टा देख लीजिए आप। आज हरेली के मामले में लेंगे तो आप पूरा देख लीजिए, प्रदेश में लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है और उसे संरक्षित किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। काजू की खेती यहाँ हो रही है, यहाँ अन्य और चीज़ों का सबसे ज़्यादा, अगर पूरे देश में अगर जड़ी बूटी और अन्य चीज़ें निकलती तो हमारा प्रदेश है, नंबर वन है उसमें। तो एक अच्छे काम हो रहा है, एक अच्छे विजन लेके कर रही है आज, तभी तो पूरे प्रदेश में बोल रहे हैं भूपेश से तो भरोसा है, ऐसे ही थोड़ी बोल रहे। एक आखिरी सवाल, लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है बीजेपी, किस प्रकार से देखते हैं आरोपों को? देखिए जहाँ तक बीजेपी की बात है तो जो जैसा काम करती है वैसा बोल रही है। ये 4-4.5 साल तक कुंभकर्णी नींद सोई हुई थी, अब इनको पता चला है कि अभी सामने चुनाव आने वाला है तो इनको जगा रहे प्रदेश के लोग आके, प्रदेश में जैसे अमित शाह जी आए, इनके पहले और प्रभारी आए, यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है, यहाँ सबको पता है। यहाँ मैं आपको ये मैं इस बात को दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कांग्रेस पूरा प्रदेश जो है कांग्रेस के लिए समर्पित है। कल चुनाव करा लीजिए, 75 पार मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि हमारी सरकार कांग्रेस की फिर बनेगी। और मैं बता रहा हूँ, ये तो आप बोल रहे हैं हम कांग्रेस के लिए और कांग्रेसी सोच के लिए, भाजपा के जो लोग हैं वो भी कांग्रेस को वोट देंगे भूपेश बघेल जी का काम देखकर। आज इतना ज़्यादा खुश है, व्यापारी खुश है, आम आदमी खुश है, हर आदमी खुश है जी। कांग्रेस का नारा है जियो और जीने दो। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अभी देख लीजिए लगातार जो है भ्रष्टाचार जो है भाजपा के लिए, अभी देखिए अभी आप रोज पेपर में पढ़ रहे हैं कि इनके द्वारा जो पुराने भ्रष्टाचार किया गया है लगातार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। इनके पास विजन नहीं है, इनके पास शब्द नहीं है कि हम क्या बोले और कैसे घेरे, क्योंकि ये एक कदम चलते हैं हमारे भूपेश बघेल की सरकार 10 कदम आगे चलती है। इनकी सोच अच्छी है, ब्राइट, बहुत बड़ी सोच है हमारी कांग्रेस की। और आने वाली सरकार देख लीजिए आप, हर राज्य में अब कांग्रेस की सरकार आने लग गई है। आप देख लीजिए आने वाले समय में हमारे देश में भी कांग्रेस की सरकार रहेगी, ये आप मान लीजिए बात को, क्योंकि हमारे द्वारा और हमारी कांग्रेस के सरकार के द्वारा लगातार अच्छे काम किए जा रहे हैं हमारे कार्यक्रम। अब एक बात मैं और आपको बताऊंगा, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के, कभी आज तक इतने साल तक भाजपा की सरकार है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अच्छे परिवार के सुरक्षित होने के लिए कभी कोई सोचा? भूपेश बघेल जी ने तो सोचा, आपको प्रोडक्शन दिया और होने वाले आने वाले समय में हो सकता है और बेहतर कुछ अच्छा करके। आप खुश नहीं है क्या मेरे को बताइए? आप भी खुश हैं सरकार को लेकर? आज सरकार एक आम आदमी से लेकर, एक पत्रकार से लेकर, एक व्यापारी से लेकर, एक सरकारी कर्मचारी से लेकर, शिक्षक से, अभी शिक्षक देखो आभार प्रदर्शन किए जाके खुशियाँ मना रहे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इतनी ज़्यादा मेहनत करती है छोटे छोटे बच्चों को, जो माँ बाप है अपने बच्चे, एक है दो बच्चे हैं, उनको छोड़ के अपने रोजेड़ मजदूरी करने जाते हैं, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माँ बाप बन के उनको पालते हैं, उनका खिलाना पिलाना सब करती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं वाले भी होली मनाए हैं बीच में, उनकी भी तनख्वाह बढ़ गई है। तो ये कौन कर रहा है? भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। और शहर में आप देख लीजिए, शहर में इतने अच्छे काम हो रहा है। इसके पहले देखिए आप गौरव पथ, अभी इस तरह देख लीजिए आप, इधर से अपने जी रोड में देख लीजिए,
यहाँ से लेके अंजोरा तक जाइए आप, शहर परिवेश हो गया है। पहले हम जब भाजपा की सरकार थी तो ये फुलगांव चौक में जाओ उसके बाद ऐसा लगता था हम ग्रामीण में चले गए करके। आज ऐसे बाहर से लोग आ रहे, भिलाई से आ रहे, अन्य प्रदेशों के लोग आ रहे हैं, आज आते हैं और बोलते हैं यार क्या दुर्ग चमक गया है यार। तो यकीनन इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के योगदान है, भरपूर पैसा भेज रहे हैं और सबसे बड़ी सक्रियता जो है हमारे विधायक जी के और हमारे महापौर जी की है। इनकी एक ऊँची सोच है, अच्छी सोच है कि हमारे शहर को हमको चमकाना है, हमारे शहर को साफ़ सुथरा रखना है, हमारे शहर के लिए जो बेहतर प्रयास होता जो कम हो सकता है। हमारे विधायक अरुण वोरा जी, हमारे महापौर धीरज बाकलीवाल जी और उनके सरकार के हम सब मंत्री है, हमारे पार्षद है, हमारे एल्डरमैन है, हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। ठीक है, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे हमीद खोकर, नगर निगम दुर्ग से MIC प्रभारी हैं। काफ़ी विश्वस्त लगे अपनी निगम सरकार और राज्य सरकार के लिए। आगे भी आने वाले समय में आपको MIC प्रभारियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।